अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? टोयोटा कोस्टर सैलून है, आज हम इसका रिव्यू करेंगे। टोयोटा कोस्टर ने जब इसे लॉन्च किया था, इसके अंदर किन किन चीज़ों का डिफरेंट किया था, यानी कि इससे पहले जो मॉडल थे उनमें क्या चीज़ें इंस्टॉल थी और इसकी शेप को कैसे चेंज किया, इसके अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शन थे उनको चेंज किया या नहीं किया, तमाम तर डिटेल में आपको आज इसी वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है राशिद अली और मैं अपने इस चैनल पर गाड़ियों के मतलब टोयोटा हाइएस, टोयोटा कोस्टर के मतलब वीडियो पोस्ट करता हूं और मैं तमाम तरह डिटेल शेयर करता हूं। किसी भी मेरे भाई ने कोई सवाल पूछना हो टोयोटा कोस्टर के मतलब या टोयोटा हाइएस के मतलब तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूँगा। आज हम बात करेंगे टोयोटा कोस्टर का, जो ये लेटेस्ट मॉडल है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये इंडस मोटर से परचेज है। इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट है, इसका डैशबोर्ड, इसका गियर लीवर और इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग है, तमाम मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा तो मैं आपकी इसकी जो है तमाम तक डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। जी जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, ये आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको गाड़ी की बाहर से फ्रंट से यानी कि इसकी लुक दिखा दूँ। तो गाड़ी की माशाल्लाह लुक देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। लाइटें आप इसकी देख सकते हैं, बहुत ही इन्होंने अच्छी इसके अंदर लाइटें इंस्टॉल की है। फ्रंट साइड से मैं अगर आपको गाड़ी की लुक दिखाऊं तो फ्रंट से भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गाड़ी की लुक है। और एक इसके अंदर जो ये चेंजिंग की है इन्होंने 2017 में, ये आप देख सकते हैं, इस गाड़ी का जो एयर फिल्टर है ये इन्होंने ओपनली बाहर वाली साइड पर इसको यानी कि दिया हुआ है। इससे पहले जो तमाम कोस्टर के मॉडल थे उसका ये एयर फिल्टर अंदर वाली साइड पे था, लेकिन 2017 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई है इसका ये एयर फिल्टर बाहर वाली साइड पे था। ये आप इसका ड्राइवर साइड का डोर देख सकते हैं, इस गाड़ी के अंदर दो डोर आते हैं, एक ड्राइवर साइड और एक पैसेंजर साइड। मैं अंदर से भी आपको उसका रिव्यू करवाऊँगा, वो जो पैसेंजर साइड का डोर है वो कैसे ओपन होता है और वो ऑटो होता है या मैनुअल होता है। पहले मैं आपको इस गाड़ी की फ्रंट से सारी लुक दिखा देता हूँ। फ्रंट लुक देखी जाए तो माशाल्लाह गाड़ी की बहुत ज़बरदस्त है। और ये आप इसकी बैक लुक देख सकते हैं, बैक पे एक इसके लगेज बॉक्स दिया हुआ है। इससे पहले जो टोयोटा का जो मॉडल था उसकी जो शेप थी वो थोड़ी सी चेंज थी, इस गाड़ी को उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके यानी कि नए लुक में इसको डिज़ाइन किया है और नई एक शेप में तैयार किया है। इसकी बैक लाइट और फ्रंट लाइट पिछले वाले जो मॉडल से बहुत डिफरेंट है। और ये जो लाइटें हैं आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इसकी जो लाइट है काफ़ी अच्छी यानी कि इसकी लाइट है। एक इसके अंदर ये चेंजिंग की हुई है, आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर जो ये पार्किंग लाइट्स दी गई हैं, पहले जो इसके अंदर मॉडल थे उनके अंदर ये बल्ब इंस्टॉल नहीं थे, ये जो पार्किंग लाइट्स हैं अभी इन्होंने जो गाड़ी लॉन्च की थी इसके अंदर पार्किंग लाइट्स के अंदर बल्ब भी इंस्टॉल हैं और ये रात में यानी कि बहुत ही अच्छा रिव्यू देते हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर से भी मैं आपको इसका डैशबोर्ड इंटीरियर का रिव्यू करवा देता हूँ। यहाँ से हमने डोर ओपन करना है तो ये आप सबसे पहले देख सकते हैं डोर के अंदर जो उन्होंने चीज़ें इंस्टॉल की हैं। पहले उस गाड़ी के अंदर यहाँ पे कंसोल नहीं आता था जिसके अंदर हम अपना कोई छोटा मोटा सामान कार्ड कूड्स वगैरह रख सकते हैं। दूसरा है कि ये वाला कंसोल नहीं था, इसके अंदर भी हम अपने कोई बोतल वगैरह या हम गाड़ी की कोई बुक वगैरह को सामान वगैरह रख सकते हैं। डोर के अंदर ये दो इन्होंने कंसोल दिए हुए हैं। कंसोल के अलावा आप ये देख सकते हैं ये मैनुअल गाड़ी है, ये आप इसके मैनुअल गियर लीवर वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं, स्टीयरिंग के अंदर इन्होंने एयर बैग दिया हुआ है, जो कि पिछले इससे जो पीछे वाला मॉडल था उसके अंदर भी एयर बैग था, लेकिन ये न्यू में दो एयर बैग्स दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग के अंदर और एक मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये पैसेंजर वाली साइड पे। ये इंटीरियर आप देख सकते हैं, इस गाड़ी का जो इन्होंने मेन चीज़ें चेंज की हैं वो आप देख सकते हैं। इंटीरियर जो डैशबोर्ड है ये बिल्कुल इससे पहले वाले मॉडल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, चेंज है। इसके तमाम ये बटन्स वगैरह तो उसी तरह सेम है, लेकिन जो ये इंटीरियर के तमाम बटन्स वगैरह ये चेंज है। गियर लीवर इसका चेंज है, पहले जो गियर लीवर था वो और तरीके का था, लेकिन था ऐसे मैनुअल गियर ही था, लेकिन उसमें थोड़ी सी इन्होंने चेंजिंग की है। और डैशबोर्ड के अंदर इन्होंने यहाँ पे भी एक कंसोल दी है, आप इसके अंदर अपने कार्ड्स वगैरह या कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपना कोई मोबाइल वगैरह फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। दूसरा एक इन्होंने एक इसके अंदर ये चेंजिंग की है, इसके अंदर ये कप होल्डर दिया है, ये मैं आपको इसकी स्लाइड खोल के दिखाऊं तो ये देखें आप कप होल्डर दिया है, तो कप होल्डर को आप यहाँ पे अपनी कोई ड्रिंक वगैरह या कोई पानी वगैरह की बोतल वगैरह रख सकते हैं। और उसके अलावा एक इसके अंदर ये एंड्रॉयड इंस्टॉल है, ये कि इन्होंने ओरिजिनल नहीं आई थी, ये हमने खुद से लगवाई है बैक कैमरे के लिए। यहाँ पे एक इसका टेप रिकॉर्डर होता है जैसे कि हर गाड़ी में होता है। बाकी जो सीटों की बात की जाए तो सीटें गाड़ी की वही हैं जैसे कि पहले वाली गाड़ी की थी, इससे पहले जो मॉडल था
2016-17 मॉडल, ये 29 सीटर गाड़ी है, तो इसके अंदर भी वैसे ही सीटें इंस्टॉल हैं जो इससे पहले वाले मॉडल में थी। सीटों में इन्होंने कोई इतनी खास चेंजिंग नहीं की। तो ये डोर आप देख सकते हैं, ये डोर ऑटो है, ऑटो डोर है, और ये भी उसी तरह ही है जैसे पहले वाले मॉडल में था। तो ऑटो डोर का फंक्शन मैं आपको दिखा दूँ, तो वो ड्राइवर की राइट साइड पे ये बटन लगा होता है, इसको हमने ऊपर वाली प्रेस करना है तो ये ओपन हो जाएगा, नीचे वाली साइड पे करना है तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये आपने देख सकते हैं कि ये इसके अंदर जो चेंजिंग की है, यही तकरीबन कुछ चंद चीज़ें हैं जो उन्होंने चेंज किया है। सबसे मेन चीज़ है जो गाड़ी की शेप है उसको चेंज किया है, उसके अलावा जो गाड़ी के अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो मिलती जुलती हैं, कोई इतनी ख़ास चेंजिंग नहीं है। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपको बता देता हूं कि टोयोटा कोस्टर 2017 मॉडल में जो चेंजिंग की है, सबसे मेन जो चीज़ है वो इसकी शेप है, गाड़ी की मुकम्मल शेप को चेंज कर दिया गया है, और गाड़ी के जो फंक्शन है वो बिल्कुल मिलते जुलते ही हैं, और गाड़ी की शेप के साथ आप देख सकते हैं लाइटें वगैरह और इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज है।